नाइक का स्लोगन जस्ट डू इट ग्रेग गिलमॉर्क से इंस्पायर्ड है, जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी 2 मर्डर 2 असल्ट और 3 रॉबरी के जुर्म में। और जिस वक्त उसको मौत की सजा दी जा रही थी उस वक्त में उसने यही लाइन कही थी कि जस्ट डू इट। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 19। मैड हनी एक अलग तरह का शहद होता है जिसको चाटने के बाद में आप होने लगते हो हेलुसिनेट यानी कि भ्रमित, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में मिलता है, वो है नेपाल, और वहाँ पर भी इसे कुछ ही इलाकों में हार्वेस्ट किया जाता है, इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसकी कीमत है $180 प्रति किलो, यानी कि 1 किलो ये इंडियन करेंसी में मिलेगा ₹12,000 का, डिपेंड करता है कि कितना आप कम करा सकते हैं। किसी को भी अब ये मालूम नहीं है कि किसने इन्वेंट किया था फायर हाइड्रेंट, क्योंकि इसके पेटेंट के पेपर US पेटेंट ऑफिस में ही जल गए थे 1836 में। एक स्टडी में ये मालूम चला है कि जो देश पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है और टीन प्रेगनेंसी रेट और क्राइम भी घटता है। दुनिया के पहले इंसान जो स्पेस में गए थे यूरी गगैरिन, ये जब मैनचेस्टर में गए तो इनका स्वागत करने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए रोड पे, और उस वक्त में हो रही थी बारिश, तो जिस वजह से इन्होंने अपनी कन्वर्टेबल कार की ना ही छत चढ़ाई और ना ही किसी छतरी का यूज किया, ये कह के कि अगर लोग मुझे देखने के लिए बारिश में खड़े हो सकते हैं तो मैं भी उनके लिए खड़ा हो सकता हूँ। साउथ अफ्रीका के कंजर्वेशनिस्ट इसे खास तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं गैंडों के शिकार को रोकने के लिए, क्योंकि गैंडों का शिकार उनके सींग के लिए किया जाता है, तो उनके सींगों पर वो एक खास तरीके का कलर लगा रहे हैं जिसको नहीं हटाया जा सकता, और इसी के साथ साथ उसमें जहर भी मिला रहे हैं जिससे कि अगर कोई शिकारी इन गैंडों के सींगों को काट के लेके भी जाता है तो ये बिकने वाले नहीं है, तो ये एक तरीके से यूजलेस है उनके लिए, तो वो इतना रिस्क लेके इनका शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस सींग में जो जहर मिला है वो इंसानों के लिए हानिकारक रखे, तो इससे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई इसे खरीदने वाला, क्योंकि कलर लगा हुआ। चाइना का 23 साल का लड़का एक गेम का बहुत बड़ा एडिक्ट था, और उसका एडिक्शन छुड़ाने के लिए उसके फादर ने कुछ प्रोफेशनल गेमर्स को हायर किया और उनको यह कह दिया कि जहां भी मेरे लड़के का यूजर नेम आपको दिख जाए ना वहीं पे उसको मार देना, ताकि वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो गेम खेलना ही छोड़ दे। 1972 में वैष्णव लवीक एक फ्लाइट अटेंडेंट थी एक प्लेन की जिसमें ब्लास्ट हो गया था, और ब्लास्ट होने के बाद में वो 33,000 फीट से नीचे गिर रही थी, और नीचे गिरने के बाद में उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई थी, जिसके बाद में उनका नाम लिखा गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट फॉल विदाउट अ पैराशूट। पांडा अपने दिन का ज्यादातर वक्त बैंबू चबाने में ही बिताते हैं। 2011 में चीज दुनिया का सबसे ज्यादा चुराया जाने वाला फूड था। पानी की बोतल पे जो एक्सपायर डेट लिखी होती है वो पानी की नहीं होती बल्कि पानी की बोतल की होती है। स्पेशली ट्रेंड स्निफिंग डॉग करीबन 1 हफ्ते पुराने फिंगरप्रिंट को सूंघ कर भी पहचान सकते हैं, और इसी तरीके से वो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल के अंदर ही मौजूद है, जिनके नाम है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, चोआयु, धोलगिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि माउंट एवरेस्ट को चाइना से भी चढ़ा जा सकता है और उसको नेपाल से भी चढ़ा जा सकता है। नेपाल से थोड़ा आसान पड़ता है और चाइना की तरफ से थोड़ा मुश्किल रहता है, और इसी तरीके से कंचनजंगा को भी नेपाल की साइड से भी चढ़ा जा सकता है और इंडिया के सिक्किम की साइड से भी चढ़ा जा सकता है, ये दोनों के बीचों बीच है जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट है। तो बस दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर इसी तरह की वीडियोस आप और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।